अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शहर आरुन किचन। दोस्तों आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पंजी और जूसी ढोकला। ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि ढोकला बहुत कम घरों में बनाया जाता है और ज़्यादातर हम लोग बाहर रेस्टोरेंट में ही इसे खाते हैं। तो आज हम बहुत ईजी वे में आपको घर में ही बनाना सिखा रहे हैं। तो ये मैं अपने तरीके से बता रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 1.5 कप बेसन ले लिया है और बेसन को मैंने 2 बार छान लिया है। छानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर नहीं छानेंगे तो उसमें लम्स पड़ जाएंगे और जो ढोकला है वो स्पंजी भी नहीं बनेगा और फूलेगा भी नहीं। इसके बाद ये अब बिल्कुल रेडी है ढोकला बनाने के लिए। मैंने ये 1.5 चम्मच सूजी ली है, इसको भी मैंने छान लिया था क्योंकि सूजी में कई बार कीड़े होते हैं, इसलिए इसे भी अच्छी तरह छान लिया है मैंने। ये मैंने 2 बड़े चम्मच चीनी ली है, इसको हम 2 जगह यूज़ करेंगे, थोड़ा सा हम ढोकला बनाने में और थोड़ा सा लास्ट में जो इसमें ऊपर से बघार दिया जाता है उसमें हम यूज़ करेंगे। यहाँ 1/2 चम्मच ये मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 नींबू का जूस लिया है मैंने और ये यहाँ पे 1 मैंने बिना फ्लेवर वाला इनो लिया है और ये यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच नमक लिया है। नमक को भी हम 2 जगह इसमें यूज़ करेंगे और ये ऊपर से तड़के के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये 1 चम्मच काली सरसों है, थोड़ी सी हरी मिर्च है और यहाँ ये करी पत्ता है। मेरे पास करी पत्ता सूखा ही था इसलिए मैंने सूखा लिया है। आपके पास अगर ये ताज़ी पत्तियाँ मिल जाएँ तो आप ताज़ी भी ले सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आपको दिखाते जाएंगे ताकि आप लोगों को ढोकला बनाना बहुत आसान हो जाए। तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ जो हमने बेसन लिया है इसको हम ऐसे फैला लेते हैं और इसमें जो हमने सूजी ली है ये हम ऐड कर देते हैं और इसमें से हम थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देते हैं। और यहाँ हम ये थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर देते हैं इसमें। और इसके बाद पहले हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं सब चीज़ों को आपस में। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका एक बैटर बनाना है। बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है हमें। तो इस तरह से हम एक बैटर तैयार कर लेते हैं इसका। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, बहुत ज़्यादा एक बार में हमें ऐड नहीं करना है। तो अभी हम इसमें 1 चम्मच पानी और डालेंगे और इसको हम कम से कम 5 मिनट तक ऐसे ही फेंट लेते हैं ताकि जो हम चीनी डाली है तो चीनी अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं हमें इसे फेंटते फेंटते और ये देखिए कितना स्मूथ इसका बैटर तैयार हुआ है। इसके बाद हम इसमें लेमन जूस डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें जो हमने हल्दी पाउडर लिया है हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। और इसको हम ऐसे ही 2 मिनट के लिए और फेंट लेते हैं। एक ही डायरेक्शन में आप इसे फेंटें, अगर हम न्यू डायरेक्शन में इसे ऐसे फेंट रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में हम इसे फेंटते जाएंगे। दो मिनट बाद हम आपको इसे दिखाते हैं। 2 मिनट और हो गए हैं, ये अच्छी तरह से फिट गया है। तो अब हमें क्या करना है, इसे 10 मिनट के लिए इसे हम किचन काउंटर पे ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद हम इसको आपको बनाना बता रहे हैं, तब तक हम क्या करेंगे आगे के स्टेप में देखते हैं। इस भगोने में हम अपना जो ढोकला है वो बनाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम इसको पहले ऑयल से ग्रीस कर देंगे चारों तरफ इसके अंदर
और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ हमने एक बड़ा ये भगोना लिया है, इसमें हमने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। फिर इस तरह का हम स्टैंड लेंगे और स्टैंड को हम इस तरह से इसमें रख देंगे। याद रहे ये कि स्टैंड से पानी नीचे रहे, तभी हमारा ढोकला बनके तैयार होगा। तो इसको पानी को हम गर्म होने रख देते हैं। हल्का सा पानी गर्म होना शुरू हो गया है, तब तक हम क्या करते हैं कि ये अपने इसमें ऑयल लगाकर इसे ग्रीस कर लेते हैं, और ग्रीस होने के बाद फिर हम आपको आगे का स्टेप दिखाते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, अब इसमें हमें क्या करना है ये मैं आपको दिखाना भूल गई थी। इसमें हमें 2 चम्मच ये ऑयल डाल देना है। अच्छी तरह से हम इसे पेट लेते हैं। उधर जो हमने पानी रखा था वो भी अच्छी तरह से बॉयल आ गया है उसमें, और स्टीम निकलने लगी है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमने ये इनो लिया है, इनो को अब हम इसमें ऐड करेंगे। और ये प्रोसेस करने में हमें थोड़ी जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि अगर देर हो गई तो बिल्कुल भी हमारा अच्छा ढोकला नहीं बनकर तैयार होगा। तो हमने यह भगोने में पहले से ही ये ऑयल लगाकर इसे ग्रीस कर लिया है। इसमें हम ये डाल देते हैं इनो। डालने के बाद हम इसमें 1 चम्मच पानी डालेंगे ताकि ये एक्टिवेट हो जाए, और फिर बस हमें इसे जल्दी से इसी डायरेक्शन में हमें इसे घुमाना है। इनो डालते ही जो बेसन का बैटर था वो फूलने लगा है और बहुत हल्का हो गया है ये। तो इसे जल्दी से बस ऐसे ही हमें इसी डायरेक्शन में घुमाते रहना है। उसके बाद ये भगोना लेकर जो भी बैटर है वो हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से हम इसको पूरा खाली कर देंगे। और 2 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही कर लेते हैं, और चलते हैं अब अपनी गैस की तरफ। तो ये हम इसे ऐसे रख देते हैं। गैस का फ्लेम इस टाइम हमारा बिल्कुल फुल है। और 2 मिनट के बाद ये जो ढक्कन है हम इसे लगा देते हैं, और 5 मिनट बाद हम इसका गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे, और 20 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं स्लो फ्लेम पर। 10 मिनट हो गए हैं और ढोकला देखिए बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। तो इसकी एक पहचान होती है कि जब हम इसमें चाकू डालेंगे अगर वो सूखा निकल आता है तो इसका मतलब ये हमारा ढोकला बनकर तैयार है। और ये देखिए बिल्कुल सूखा निकला है। तो बस हम इसे 10 मिनट बाद आपको डिश आउट करके दिखाएंगे, और साथ में तड़का भी दिखाते हैं। मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसको दूसरी प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये पास से देखिए कितना स्पॉन्जी ये ढोकला बनकर तैयार हुआ है। तो हम इसके पीस कट कर लेते हैं और फिर हम आपको तड़का लगाकर दिखाते हैं। पीस हमने सारे कट कर लिए हैं, और इतने स्पॉन्जी और बहुत लाइट वेट का ये हमारा ढोकला बनकर तैयार हुआ है। इसके बाद हमने यहाँ गैस पर एक तरह से तड़का पैन रख दिया है। अच्छी तरह से हमारा ये जो ऑयल हमने इसमें डाला है वो अच्छी तरह से गर्म हो गया है। इसमें हम डालते हैं जो हमने राई ली थी वो, और उसके बाद हमें डालना है इसमें हरी मिर्चें। बहुत केयरफुली आप हरी मिर्चें इसमें डालें, क्योंकि हरी मिर्च जो होती है वो तड़कती है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। फ्लेम हम बंद कर देंगे। करी पत्ता डाल देंगे, और फिर हम डालते हैं इसमें 1 चम्मच चीनी। चीनी डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बहुत ध्यान से। गैस का फ्लेम फिर हम ऑन करेंगे, और इसे 10 सेकंड के लिए हम ऐसे ही पका लेते हैं।
इससे क्या होगा, ये जो हमने तड़का तैयार किया है और उसके बाद हमने इसमें पानी डाला है, तो उससे जब हम ये ढोकले पर डालेंगे ऊपर से, तो ढोकला जो है वो और इस जूसी हो जाएगा। स्पंजी तो हमारा पहले से ही है, तो और ये जूसी हो जाएगा और खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। चीनी हमारी बिल्कुल मेल्ट हो गई है और 10 सेकंड भी हो गए हैं। अच्छी तरह हम इसे चला देते हैं। फिर हम इसे ढोकले के ऊपर डाल देते हैं। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और इस तरह से बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और स्पॉन्जी जूसी ढोकला बनकर हमारा तैयार हुआ है। तो इसे मैंने कच्चे नारियल के साथ डिश आउट किया है और इसमें मैं हरा धनिया, हरी मिर्च और खट्टे नींबू की चटनी के साथ इसे सर्व कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी ये पसंद रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें। ये घर में आसानी से बनकर तैयार होगा। तो इन्जॉय करें मेरी रेसिपी को और कमेंट बॉक्स में हमें ये ज़रूर बता दें कि आप लोगों ने इसे बनाया तो आप लोगों का ये कैसा बनकर तैयार हुआ। कोई अगर दिक्कत हो बनाने में तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। लाइक करें और फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं फिर हाज़िर होती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।